हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका ड्यू जेमोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक है 18 पैरामीटर्स। आज हम समझेंगे एक राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड को देखने के लिए, उसका कट ग्रेड डिसाइड करने के लिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपसे चार सवाल पूछा था, पहले उसका जवाब दे दूं। पहला सवाल था, वो कौन सा फैसेट है जो सबसे बड़ा होता है, ऑक्टेगन शेप में होता है, वो है टेबल फैसेट। दूसरा सवाल था, वो कौन सा फैसेट है जो ऑप्शनल होता है, एक डायमंड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो है क्यूलेट। तीसरा सवाल, वो कौन सा फैसेट है जो क्राउन का मेन फैसेट है, वो है बेजल फैसेट। और वो कौन सा फैसेट है जो पवेलियन का मेन फैसेट है, इसे कहते हैं पवेलियन मेन फैसेट या फिर एरो फैसेट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारे 18 पैरामीटर्स का टॉपिक। तो एक डायमंड को 18 बार देखा जाता है, हम समझते हैं वो 18 कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पहला पैरामीटर है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ मतलब टेबल से लेके क्यूट तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं टोटल डेप्थ। ये टोटल डेप्थ ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए ऐसा, और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए ऐसा। ये कैसा होना चाहिए? ऐसा ऐसा होना चाहिए, करीब करीब इतना। अगला टॉपिक है टेबल। ये टेबल देख रहे हैं ऑक्टेगन शेप में, ये ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा, कुछ कुछ ऐसा। इसके रेंजेस हैं, GIA IGI दोनों नहीं, अपने अपने रेंजेस दिए हुए हैं, वो बाद में समझेंगे, बट कुछ कुछ इतना बड़ा अगर है तो बढ़िया है। अगला पैरामीटर कौन सा है? स्टार फेसेट्स। ये स्टार फेसेट्स ना ही ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये ऐसा, इतना बड़ा, स्टार फेसेट्स। अगला पैरामीटर है क्राउन एंगल। क्राउन एंगल होता क्या है? गर्डल प्लेन और बेजल फेसेट के एंगल को कहते हैं क्राउन एंगल। हम डिटेल में समझेंगे, मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, इन हर एक पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे। तो क्राउन एंगल क्या है? ना ही ज्यादा उठा हुआ होना चाहिए और ऐसा ना ही ज्यादा शालो होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा, कुछ कुछ ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं, रेंजेस हैं, बाद में समझेंगे। अगला पैरामीटर है क्राउन हाइट। ये क्राउन हाइट क्या है? गर्डल प्लेन से लेके टेबल तक की जो दूरी है, इसको कहते हैं क्राउन हाइट। ये क्राउन हाइट ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए और ज्यादा ऐसा शालो भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा। अगला पैरामीटर कौन है? गर्डल थिकनेस। अच्छा, जब हम गर्डल की बात करते हैं, हम गर्डल थिकनेस और गर्डल थिकनेस परसेंटेज दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो जब हम गर्डल थिकनेस की बात कर रहे हैं, हम इस हिस्से को देखते हैं, इसे कहते हैं वैली पार्ट। तो ये वैली, ना ही ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए, ये ऐसा हो, मीडियम या हल्का सा मीडियम के आसपास। इसके नियम है, बाद में समझेंगे हम। अगला पैरामीटर है गर्डल थिकनेस परसेंटेज। तो जब हम गर्डल थिकनेस परसेंटेज की बात करते हैं, हम इन हिल्स को देखते हैं, ध्यान दीजिए, इन हिल्स को सिर्फ, इन मेन हिल्स को सिर्फ। तो ये मेन हिल्स की परसेंटेज ऐसे ज्यादा, ये मोटे नहीं होने चाहिए या फिर ये ज्यादा पतले नहीं होने चाहिए। अगला जो पैरामीटर है वह है पवेलियन एंगल। अच्छा, पवेलियन एंगल क्या होता है? गर्डल प्लेन से लेके जो पवेलियन मेन फैसेट के एंगल बनते हैं, तो ये ज्यादा लंबे खींचे हुए नहीं होने चाहिए और ये ज्यादा शालो भी नहीं होने चाहिए, ऐसे। कैसा होना चाहिए? इतना। अगला पैरामीटर है लोअर गर्डल। लोअर गर्डल क्या होता है? हमें पता ही है, 16 लोअर गर्डल्स होते हैं। तो गर्डल से क्यूलेट की तरफ ये कितना आगे बढ़ते हैं, तो ये ऐसा इतने छोटे नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होने चाहिए, और ये इतने भी आगे तक नहीं बढ़ने चाहिए। कितना होना चाहिए? ऐसा, कुछ कुछ इस जैसा। इसमें छूट है, रेंजेस है, पर हम अलग वीडियो में बनाएंगे, हर एक पैरामीटर को अलग अलग समझेंगे। अगला पैरामीटर क्यूलेट साइज। ये जी क्यूलेट, ये क्यूलेट पॉइंटेड हो सकता है या हल्का सा छूट दिया गया है, इतना भी ठीक है, बट जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, ये क्यूलेट ऐसा नजर आएगा,
तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो क्यूरेट कैसा होना चाहिए? कुछ कुछ ऐसा, इस जैसा, परफेक्ट क्यूरेट। अगला है पॉलिश, पॉलिशिंग क्वालिटी। तो ये दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, खरोचे नहीं होने चाहिए, स्क्रैचेस, 10 तरह के फीचर्स होते हैं, तो इस तरह के फीचर्स नहीं आने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इसे हट जाए, यस, ऐसा साफ सुथरा हो, कोई कमियां ना हो। और अगला है सिमेट्री। सिमेट्री देखिए कितना खूबसूरत सा डायमंड है, आठों ब्लॉक से बनता है, आठों ब्लॉक्स प्रॉपर है, हर एक फैसा प्रॉपर दूरी में है, सेंटर में है। अब देखिए कैसा है, अमूल्य संतरा, आपको शायद समझ में भी नहीं आया होगा। अब देखिए हल्का सा फर्क आया है, अब देखिए आपको फर्क नजर आया, अब देखिए कितने टेढ़े मेढ़े, अब देखिए माशाल्लाह कितना खराब, ये सिमेट्री है, टेढ़ा मेढ़ा सा कैसा हो गया। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट। अब आप कोई कमी ढूंढ सकते हैं, सब कुछ बराबर है, परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए सिमेट्री। तो दोस्तों ये थे 12 पैरामीटर्स। अब 6 वो पैरामीटर्स की बात करते हैं जो हमें रिपोर्ट में मेंशन नहीं मिलता लेकिन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है, पहला है ब्राइटनेस। अभी डायमंड देख रहे हैं, इसमें जो व्हाइट पैचेस है इसको कहते हैं ब्राइटनेस। अगला पैरामीटर पैटर्न। इसी इमेज में देखिए ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट है, आप फील कैसा आ रहा है, झिलमिलाहट की फील नहीं आ रही, झिलमिला सा रहा है, इसे कहते हैं पैटर्न। और अगला देखिए ये फायर, सतरंगी कलर निकलना ही है। ये तीन अलग अलग पैरामीटर से ये रिपोर्ट पे मेंशन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला पैरामीटर वेट, ओवरवेट। ये डायमंड कितना गट्टा है, गट्टा मतलब ओवरवेट। और नीचे वाला डायमंड देखिए कितना बढ़िया है, उसमें आपको फील हो रहा है कि इसमें वजन ज्यादा है। यहां पर इस इमेज में ही देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें वजन ज्यादा नहीं है, यह ओवरवेट। अगला पैरामीटर है पेंटिंग एंड डिगिंग। ये होता क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, मैं हर एक पैरामीटर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, ये जो हिल्स हैं, ये हिल, ये हिल, ये हिल, इन हिल्स का छोटा बड़ा ना होना। अब देखिए इस इमेज में सारे हिल्स बराबर है, हिल्स की आप थिकनेस देखिए बराबर है। अब इस इमेज में देखिए नीचे वाले में, इसमें क्या है, हिल्स छोटे बड़े हैं, इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट ये चीज नहीं होता पेंटिंग डिगिंग, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, बट शॉर्टकट में समझ लीजिए अभी, ये देखा जाता है। और जो आखिरी है वो है चार्ट ग्रेड। चार्ट ग्रेड क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आत्मा है, इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। मतलब ये डायमंड में नहीं देखा जाता, एक्चुअली चार्ट ग्रेड क्या है, ये एक चार्ट है। मैंने पीछे कहा था कि एक राउंड ब्रिलियंट का डायमंड अगर एक्सीलेंट उसे क्वालिफाई करना है तो 18 के 18 पैरामीटर्स एक्सीलेंट होने चाहिए। ये चार्ट ग्रेड क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 17 पैरामीटर्स एक्सीलेंट है और ये चार्ट ग्रेड एक्सीलेंट नहीं आया, ये वेरी गुड आ गया, तो डायमंड आपका फॉर श्योर वेरी गुड क्वालिफाई करेगा। पर चार्ट ग्रेड क्या है, जो मेन तीन पैरामीटर्स होते हैं, टेबल परसेंटेज, क्राउन एंगल और पवेलियन एंगल, इन तीनों को देखा जाता है। अगर ये तीनों एक्सीलेंट में है और करीब करीब एक्सीलेंट की मिडिल में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई दो या तीन अगर एक्सट्रीम में पहुंच जाए, एक्सट्रीम मतलब निचला लिमिट या ऊपरी लिमिट में, जो हम बाद में समझेंगे आराम से, तो उस वक्त ये चार्ट ग्रेड भी डिग्रेड हो जाएगा। तो इस चार्ट ग्रेड को भी एक्सीलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे हमारे 18 पैरामीटर्स। अगर 18 के 18 पैरामीटर्स एक्सीलेंट है तो डायमंड एक्सीलेंट है, 18 में से कोई भी पैरामीटर अगर फॉल करता है, नीचे गिर जाता है, फॉर एग्जांपल वेरी गुड आता है तो वेरी गुड। तो सिंपली समझे, जैसे एक चेन होता है, एक चेन है 18 कड़ियों से बना हुआ है, उस चेन के जो कड़ियां हैं, जो लिंक्स हैं, जो सबसे कमजोर कड़ी होगा वही तो स्ट्रेंथ की, वो उस चेन की स्ट्रेंथ मानी जाएगी। इंग्लिश में कोट है, क्या बोलते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन डिपेंड्स अपॉन इट्स वीकेस्ट लिंक। तो ये सिस्टम भी वैसा ही है, जो सबसे कमजोर होगा वही ग्रेड होगा इस डायमंड का।
दोस्तों मुझे लगता है कि 18 पैरामीटर्स मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। इन 18 पैरामीटर्स को हम अलग अलग समझेंगे, हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे अलग अलग पैरामीटर्स को डिटेल में समझाने के लिए, और मैं समझाते रहूंगा आपको, मैं सिखाते रहूंगा आपको। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है उदय, मैं डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम बनाता हूँ, लैब सर्विसेज देता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ और डायमंड प्राइसिंग पर रिसर्च भी करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।